हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 8.5, ओके, ऑडिट मॉनिटरिंग। इन लास्ट सेशन हमने देखे थे स्पेशलाइज क्लाउड मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड मैकेनिज्म हमारे पास है। सो उसमें से 4 हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हमारे लास्ट सेशन के अंदर। आज के सेशन में हम देखेंगे ऑडिट मॉनिटरिंग एंड नेक्स्ट जो 5 सेशन है, वो हम हमारे नेक्स्ट इसमें वन बाय वन कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो ऑडिट मॉनिटरिंग के बेसिकली ऑडिट क्या होता है, ओके, सो ऑडिट क्या है वो देखते हैं, देन ऑडिट मॉनिटरिंग के तरफ जाएंगे। सो इन जनरल टर्म ऑडिट मीन्स व्हाट द कंडक्ट एंड ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ एन कंपनी और इट्स अकाउंट। कि एक कंपनी हो या जैसे कि नंबर्स ऑफ अकाउंट्स हो, तो उसके टैली करते हैं हम कि हमारा कितना हिसाब हुआ, कितना बाकी है, या जो नंबर्स ऑफ चीजें उसके, या उसको क्या बोल सकते हैं, रीचेकिंग कर सकते हैं, इंस्पेक्ट, एग्जामाइन, सर्वे, ओके, ओवरलुक, गो थ्रू, ऐसे जैसे कि नंबर्स ऑफ टर्म्स हम कंपेयर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट। ऑडिट क्यों कहते हैं कि ऑडिट कैन नॉट एक्सपेक्ट टू डिटेक्ट एवरी फ्रॉड। हमारे जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के अंदर या नॉर्मल जो नंबर ऑफ चीजें हम अकाउंट के अंदर परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर कोई चीज बाकी रह सकती है या उसके अंदर फ्रॉड हो सकते हैं। तो उस फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए या इंस्पेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट मॉनिटरिंग। सो यहाँ पे देखते हैं कि इन नेटवर्क या क्लाउड के अंदर ये ऑडिट मॉनिटरिंग क्या परफॉर्म करने वाला है। ऑडिट मॉनिटरिंग इज अ मैकेनिज्म इज यूज टू कलेक्ट ऑडिट ट्रैकिंग डेटा फॉर अ नेटवर्क एंड आईटी रिसोर्सेस इन सपोर्ट टू रेगुलेटरी एंड कंसेप्चुअल ऑब्लिगेशन। जैसे कि जितने भी नंबर्स ऑफ सर्विस या नेटवर्क हम प्रोवाइड करें या आईटी रिसोर्सेस प्रोवाइड करें, उस सभी को हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना, इंस्पेक्ट करना कि वो प्रॉपरली वर्क हो रहे कि नहीं, या नंबर्स ऑफ यूजर्स जो लॉग इन कर रहे हैं हमारे क्लाउड के अंदर वो ऑथेंटिकेट है क्या नहीं। ओके, ये सभी चीजें हम क्या करेंगे, ऑडिट मॉनिटरिंग के अंदर करने वाले हैं। एंड ऑडिट मॉनिटरिंग इज इम्प्लीमेंट एज अ मॉनिटरिंग एजेंट दैट इंटरसेप्ट लॉग इन रिक्वेस्ट एंड स्टोर द रिक्वेस्ट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल एज वेल एज बोथ फेल्ड एंड सक्सेसफुल लॉग इन फॉर अ फ्यूचर ऑडिट रिस्पॉन्डिंग पर्पज। जैसे कि हम एक क्लाउड था हमारा जिसके ऊपर हमें लॉग इन करना है, इन द सेंस नंबर्स ऑफ लॉग इन सिस्टम आपके सामने होगी, तो जितने भी नंबर्स ऑफ हमने अटेम्प किए, ओके, सक्सेसफुल अटेम्प या फेल्योर अटेम्प, जितने भी नंबर्स ऑफ अटेम्प थे हमारे लॉग इन क्रेडेंशियल के साथ, ओके, लॉग इन क्रेडेंशियल यहाँ पे क्या हो गया, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, इन द सेंस क्या हो गया, आपके यूजर नेम, पासवर्ड, पिन नंबर, ओके, नंबर्स ऑफ चीजें जो आप लॉगिंग पर्पज के लिए यूज करते हो, सभी के सभी हम यहाँ पे लॉग इन क्रेडेंशियल या सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको इलेबोरेट करते हैं हमारे कंसेप्ट को। तो डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहे नंबर्स ऑफ स्टेप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, सिंपल डायग्राम है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी आपको। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, अ क्लाउड सर्विस कंज्यूमर रिक्वेस्ट एज अ क्लाउड सर्विस बाय सेंडिंग अ लॉगिन रिक्वेस्ट विद अ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। कि फर्स्ट इसमें क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर है, यूजर है, वो क्लाउड सर्विस को या क्लाउड सर्विस एक्सेस करने के लिए जो भी उसका लॉगिन फॉर्म होगा वहां पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पास करे, जैसे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड पास कर रहा है फॉर अ सर्विस एक्सेस रिक्वेस्ट। कि जो भी उसको सर्विस एक्सेस करने उस पर्पज के लिए जो भी रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड है विद रिस्पेक्ट टू वर्क सिक्योरिटी क्रेडेंशियल वहां पे पास करने वाला है। देन सेकेंड इसमें क्या हो रहा है, द ऑडिट मॉनिटर इंटरसेप्ट द मैसेज। ओके, ऑडिट मॉनिटर क्या करेगा, उस मैसेज को पास होने से पहले चेक करेगा एंड फॉरवर्ड इट टू ऑथेंटिकेशन सर्विसेस। ओके, चेक करने के बाद ऑथेंटिकेशन सर्विस को पास करेगा, देन ऑथेंटिकेशन सर्विस प्रोसेस द सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। जो ऑथेंटिकेशन सर्विस होगी वो क्या करने वाली, चेक करेगी वेदर योर लॉग इन सक्सेसफुल या इन द सेंस करेक्ट है, इनकरेक्ट है,
या उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, तो सभी चीजें हमारा ऑथेंटिकेशन सर्विस वहां पे चेक करेंगे एंड रिस्पॉन्स मैसेज इज जनरेटेड फॉर द क्लाउड सर्विस कंज्यूमर इन एडिशन टू रिजल्ट फ्रॉम अ लॉग इन अटेम्प्ट। ओके, देन थर्ड वाला स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड वाले स्टेप में उसका रिस्पॉन्स, ओके, इन द सेंस सक्सेसफुली लॉग इन होगा, अनसक्सेसफुल होगा, या यूजर नेम करेक्ट रॉन्ग, जो भी नंबर्स ऑफ मैसेज होंगे या रिस्पॉन्स होगा वहां पे जनरेट होगा। देन अगेन यहाँ पे आपका ऑडिट मॉनिटर उसको इंटरसेप्ट कर रहा है कि ऑडिट मॉनिटर चेक कर रहा है कि क्या रिस्पॉन्स है, एक्चुअल रिस्पॉन्स, देन उसके अकॉर्डिंगली वो फोर्थ स्टेप की तरफ जाएगा। जो भी डेटा होगा सक्सेसफुली या अनसक्सेसफुल जो भी अटेम्प्ट होंगे सभी डेटा आपके लॉग डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा जाएगा। देन फिफ्थ, द ऑडिट मॉनिटर इंटरसेप्ट द मैसेज रिस्पॉन्स एंड स्टोर द एंटायर कलेक्टेड लॉग इन इवेंट या लॉग डेटा जो भी आपका लॉग डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा एज पर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट पॉलिसी रिक्वायर, जो भी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंगली वहां पे स्टोर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप, एक्सेस हैज ग्रांटेड, देन फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जो भी एक्सेस की परमिशन होगी इन द सेंस करेक्ट इनकरेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्सेस प्रोवाइड करेगा एंड द रिस्पॉन्स इज सेंड बैक टू क्लाउड सर्विस कंज्यूमर एंड देन एक्सेस प्रोवाइड होने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिस्पॉन्स होगा हमारे क्लाउड सर्विस कंज्यूमर के पास चला जाएगा। ओके, ये तो ये था हमारा सिंपल ऑडिट मॉनिटरिंग। ओके, इफ आपको ऑडिट मॉनिटरिंग को के रिगार्डिंगली कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, इफ आप इस चैनल पर नए हो, आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करो फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।